jungle. नमस्कार, मैं सुष्मिता विश्वास स्वागत करती हूँ आपका मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और तेजी से बढ़ते चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। खबर है सागर से, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं का हुआ सम्मान। सम्मानित महिला कर्मी हुई प्रफुल्लित। देवरी विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मी एवं क्षेत्र की बेटी, जो दूरस्थ किसी क्षेत्र में अपने क्षेत्र व अपने परिवार का नाम रोशन कर रही है, उनका आज महिला दिवस पर मंत्री हर्ष यादव जी के मनसानुरूप सम्मान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देवरी विधानसभा नारी शक्ति के सम्मान हेतु आयोजित कार्यक्रम महिला सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री श्री हर्ष यादव जी की धर्मपत्नी श्रीमती रंजना यादव जी एवं आदरणीय भाभी जी श्रीमती डॉक्टर मीरा यादव जी उपस्थित हुई। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से पधारी महिलाओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती रंजना यादव जी ने महिलाओं की उपलब्धियों की सराहना की, साथ ही कहा भारत वह देश है जहां महिलाएं कभी पुरुषों के पीछे नहीं रहीं। अपने देश के राजनीतिक क्षेत्र, शासकीय व निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ साथ सेना और पुलिस में भी महिलाएं पुरुषों के बराबर भूमिका निभा रही हैं। भारत पुरातन काल से ही मात्र सत्तात्मक राष्ट्र रहा है, जहां समय समय पर नारी शक्ति की पूजा की जाती है। सावित्री के बराबर किसी ने वरदान मांगा हो तो मुझे कोई स्त्री पुरुष दिखाई नहीं देते हैं। ये है हमारी नारी का अस्तित्व, जिसे हम पहचानने में कमी लगा देते। ममत्व तो एक हृदय में अगर ईश्वर ना देता तो पुरुष के समान ही स्त्री कठोर होती। एक हमारे पास कमजोर है जो हमारे अंदर ममत्व है। वही ममता हमें जब वरदान के लिए मांगती है तो आज भी हम पूजा करते हैं तो कभी भी हमारे हाथ ये दुआएं नहीं करते कि प्रभु मुझे सोना देना, चांदी देना, ये देना, वो देना, नथिंग। हम जब भी मांगते हैं मेरे पति को अच्छा रखना, मेरे बच्चों को अच्छा रखना और धन संपदा देना के खर्च चले, अतिथि जो आए वो भूखे ना जाए। सागर से परशुराम साहू की रिपोर्ट।